की मिलीभगत, छेड़छाड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने वालों को पकड़ा। इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल पर आरोप, बचा रहे छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर अमित पोरवाल को। यूं तो पुलिस महिला संबंधित अपराध में अपने आप को संवेदनशील बताती रहती है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं के दबाव में छेड़छाड़ के आरोपी को बचाने में पूरा जोर भी लगा देती है। ऐसा ही कुछ इंदौर में हुआ, जहां छेड़छाड़ के आरोपी मर्म क्लिनिक के डॉक्टर अमित पोरवाल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के जंजीरवाला चौराहे स्थित मर्म क्लिनिक के डॉक्टर अमित पोरवाल पर एक मॉडल युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। 29 जून को मॉडल की शिकायत पर महिला थाने पर डॉक्टर पोरवाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर अमित पोरवाल ने कोर्ट की शरण ली, जहां से उनकी अग्रिम जमानत खारिज हो गई। भवरकुआ थाना प्रभारी संजय शुक्ला के मुताबिक, तुकोवंश थाना क्षेत्र के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे थे। शहर में धारा 144 लगी है, ऐसे में तुकोवंश पुलिस के निर्देश और मर्म क्लिनिक पर हंगामा होने की आशंका के चलते कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को देखकर ही समझा जा सकता है कि छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर अमित पोरवाल को बचाने के लिए इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। लेकिन यहां सवाल पुलिस पर है कि आखिर पुलिस छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर अमित पोरवाल पर आखिर कार्यवाही करने में क्यों घबरा रही है। शुरू हुई है जब हमने 11:30 टाइम पे उनको हमारा 10-12 साथी फिर आए और हमने बिल्कुल प्रशासन पुलिस प्रशासन की गाड़ी है और प्रशासन बताया फिर ऑफिस के नीचे चलो मिले कहाँ है आपका ऑफिस सबका कितना टाइम क्या करेंगे अब आगे आप प्रदर्शन रोक दिया है बोले कि परमिशन नहीं तो आपको प्रदर्शन करने के लिए फिर आप लेगा फिर वापस से आप परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसको सब जंजीर वाले चौराहे पे तो आपका नाम राजेश।